हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम घटना चक्र, ई दृष्टि, करंट अफेयर से एक साल के अंदर जितना भी ऑपरेशन और अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस मैगजीन से आपकी काफ़ी सारी क्लासेज आ चुकी हैं, उनको भी आपको ज़रूर देख लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन और अभियान हैं जो एक साल के अंदर चलाए गए हैं, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है आपके सामने हर घर तिरंगा अभियान 2023। तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, इसको 13 से 15 अगस्त 2023 के बीच में पूरे देश भर में चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो ये क्या है, देखिए, इसको भी 9 से 30 अगस्त 2023 के बीच में पूरे देश भर में आयोजित किया गया था। 9 से 15 अगस्त 2023 तक यह कार्यक्रम विभिन्न निर्धारित कार्यक्रमों के साथ चलाया गया। उसके उपरांत 16 से 30 अगस्त तक प्रखंड, नगर पालिका, निगम और राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत देश की सभी पंचायतों में अमृत वाटिका बनाई गई है, और इसकी टैगलाइन क्या थी, तो टैगलाइन थी माटी को नमन, वीरों को वंदन। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। तो ये क्या है, संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पहल है। इसको सेशेल्स में आयोजित किया गया था। इसमें INS सुनैना ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है आपका साल्वेक्स 2023। साल्वेक्स 2023 ये क्या है, तो ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास का 7वां संस्करण था। इसको कोच्ची केरल में आयोजित किया गया था 26 जून से 6 जुलाई 2023 के बीच में। नेक्स्ट है आपका एक्स खान क्वेस्ट 2023। 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना ये संयुक्त अभ्यास था। इसको मंगोलिया में आयोजित किया गया था 19 जून से 2 जुलाई के बीच में। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने किया था। नेक्स्ट है आपका अभ्यास टाइगर सार्क 40 2023। तो ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है। इसको चट्टोग्राम बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका सुदर्शन शक्ति 2023। यह भारतीय सेना द्वारा राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर किया गया सैन्य युद्ध अभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जन जैव विविधता रजिस्टर को अद्यतन बनाने और सत्यापन हेतु राष्ट्रीय अभियान, इसको गोवा में लॉन्च किया गया है। यह भारत की समृद्ध जैविक विविधता के प्रलेखन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है आपका 35वां भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 2023। अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा क्या है, इसको उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया यह एक विशेष अभियान है। नेक्स्ट है आपका अजय वॉरियर 2023। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण था। सैलिसबरी मैदान यूके में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन कावेरी 2023। गृह युद्ध से जूझ रहे हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया यह एक अभियान था। नेक्स्ट है अभ्यास ओरियन 2023। यह बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है, इसको फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका एफ इंडेक्स 2023। अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास का 2वां संस्करण था। पुणे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया था 4 मार्च 2023 को। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 भी प्रदान किए थे। नेक्स्ट है आपका NAVDEX एवं IDEX 2023। यह नौसेना एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबूधाबी UAE में इसको आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना के पोत INS सुमेधा ने भाग लिया था। नेक्स्ट है आपका सर्व दवा सेवन अभियान। तो यह स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस अभियान के तहत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030 से 3 वर्ष पहले वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन नारकोस और आहट। रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा करम से नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु 1 माह तक चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास साइक्लोन 1। भारत और मिश्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जैसलमेर राजस्थान में इसको संपन्न किया गया है। नेक्स्ट है आपका अभ्यास संगम 2022। तो यह भारतीय नौसेना मार्कोस और US नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैन्य विशेष बल अभ्यास का 5वां संस्करण है जिसको गोवा में संपन्न किया गया था। नेक्स्ट है आपका सी विजिल 22। तो देश के सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का 3रा संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका गरुड़। तो गरुड़ भारत एवं फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण था। यह जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन गरुड़ 2022। तो इसको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान है। नेक्स्ट है आपका युद्ध अभ्यास 2022। तो आपको पता होना चाहिए युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है और इस अभ्यास का 18वां संस्करण था जो कि ओली उत्तराखंड में आयोजित किया गया था 14 से 31 अक्टूबर 2022 को। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन और अभियान को डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।